हेलो एंड वेलकम टू आमी क्रेज़ अड़का। मेरा नाम अमृता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरे होम टूर कराने जा रही हूँ। मैंने पहले भी अपने चैनल पे होम टूर करवाया है, लेकिन इस बार जो है होम टूर अलग है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे छोटे छोटे चेंजेस किए अपने घर में। अगर आप मेरे पहले से व्यूअर हो तो आपको तो पता ही होगा, लेकिन जो नए व्यूअर है वो लोग भी देख लीजिए और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको मेरी आइडियाज़ कैसी लगी होम टूर की और जो चेंजेस मैंने किए हैं आपको कैसे लगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, उसे सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा एक कॉमेडी चैनल भी है एमी का कॉमेडी तड़का के नाम से। लिंक आपको उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उस चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। उसमें क्योंकि मैं एवरी वीक फनी फनी वीडियोज लाती रहती हूँ, उससे आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा मेरा रूम का एंट्रेंस। तो ये सेफ्टी डोर है, इसको मैं ओपन करती हूँ। सेफ्टी डोर के अंदर आपको एक और डोर देखने के लिए मिलेगा, मेन डोर वाला। उसके बाद ये आपको जो है मेरे घर की एंट्री है। जैसे ही एंटर करते हैं रूम में, वहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा। जो मैंने लिविंग रूम का अपना टूर डाला था वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो ये है मेरा टीवी यूनिट जो कि काफ़ी डिसेंट है दिखने में। और ये मैं आपको फिर से प्राइस बता देती हूँ इसका, मैंने लिविंग रूम में भी आपको प्राइस बताया था। तो ये 5000 रुपीज़ का है। और यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे गणपति बप्पा रखा है, यहाँ पे लाफिंग बुद्धा, यहाँ पे भी गणपति बप्पा और यहाँ पे लाफिंग बुद्धा रखा है। लाफिंग बुद्धा बहुत ही अच्छा होता है घर में रखने से, इनफैक्ट दरवाजे के सामने। और ये जो है यूनिट के अंदर यहाँ पे आपको कुछ पॉट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, मैं आपको खोल के बता देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। तो ये जो है काफ़ी डिसेंट है दिखने में। और आप चेंजेस आपने देखा होगा मेरे पिछले रूम टूर का भी, और इस रूम टूर को अभी आप कंपेयर करोगे तो आप प्लीज़ मुझे बताइए दोनों में से बेटर आपको कौन सा लगा। तो मैंने पूरा घर रिनोवेट किया है और यहाँ पे जो है आपको ऑरेंज कलर का कुछ दिखने के लिए मिल जाएगा। एक ऐसे आता है वो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अलग कलर है और यहाँ पे अलग, बाकी तीनों वॉल्स में अलग कलर है, एक वॉल में यहाँ पे डिफरेंट कलर मारा है। और ऊपर जो है ये काफ़ी लकी माना जाता है हॉर्स का। कुछ शोपीस, वॉल क्लॉक और यहाँ पे शिवाजी महाराज का फ़ोटो, जैसी एंटर करते वैसी बहुत ही अच्छा व्यू देता है ये। उसके बाद में कुछ आपको ये जो है अंदर जाने का रास्ता है किचन वगैरह और बेडरूम वगैरह की तरफ। तो यहाँ पे एक ऐसे पर्दा मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया है कि इधर भी एक पर्दा लगाया है और यहाँ पे भी आपको पर्दे मिलेंगे देखने के लिए, दोनों तरफ से ऐसे बंद होते हैं। और ये कबर्ट है जिसको मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, ये इसको लाइट भी है, इंटरनल लाइट भी है। तो ये 18,000 का कबर्ट है और बहुत ही मजबूत कबर्ट है। इसको लेके मुझे एक साल हो गया है लेकिन ये अभी भी नया ही दिखता है। ऊपर आप गणपति पापा का फोटो है। यहाँ पे एसी यहाँ पे हॉल में भी लगाया है क्योंकि हम लोग का 7th फ्लोर है, लास्ट फ्लोर है टॉप फ्लोर, तो एसी की ज़रूरत पड़ती है गर्मी के सीज़न में। और यहाँ पे एक फ़ैन है, यहाँ पे कोई भी सोएगा या बैठेगा उसको गर्मी के सीज़न में अगर चाहिए एसी नहीं चाहिए, फ़ैन चाहिए, तो फ़ैन की हवा भी यहाँ पे डायरेक्ट आएगी। तो ये कॉर्नर में फ़ैन है। और ये दीवान है दोस्तों जो कि मैंने 5000 में लिया था, ये दीवान है। और यहाँ पे आप सोफ़ा आप देख सकते हो कि चेंजेस हुआ है, पिछले वीडियो में अलग था और इस वीडियो में अलग से इसका अरेंजमेंट हुआ है। तो पिछले वीडियो में मैं आपको बता दूँ कि ये जो सोफ़ा है ये वाला वो उधर था और यहाँ पे एक सेंटर में चेयर था जो कि मैं आपको बताती हूँ, वो मैंने रखा है बालकनी में। ये जो सोफ़ा है इसको तो मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया है, वहाँ जो है टीवी सेट आ गया उसकी वजह से इस सोफ़े को यहाँ पर ले लिया। और यहाँ पे गेस्ट वगैरह आते हैं तो बैठने के लिए आपको और बात करने के लिए इजी पड़ता है। टेबल है वो सेंटर टेबल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे रखा है क्योंकि मेरे सेंटर में यहाँ पे कम जगह है इसलिए वहाँ पे रखा है वो। तो जैसे ही अगर गेस्ट आते हैं तो इसको हम यहाँ पे ले सकते हैं। और मैं आपको बालकनी का बता देती हूँ, बालकनी में जो है सोफ़ा का जो मैंने सेंटर का चेयर बताया था आपको वो मैंने यहाँ पे लगाया। तो दिखने में देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बोर्ड है, वहाँ पे कुछ मिरर है जो कि काम आता है। और यहाँ पे लव बर्ड्स है, दो पैर है लव बर्ड का। और प्लस यहाँ पे रेल ये जो है ग्रिल वगैरह लगाया है सेफ्टी पर्पज़ के लिए क्योंकि लास्ट फ्लोर है। और यहाँ पर झूला है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसका प्राइस अराउंड 10,000 आपको पड़ेगा। और
इसका आउटलेट है और यहाँ पे जो है चेंजेस करवाया है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको बता दूँ कि ये क्या है। ये वुडन का जैसे आपको दिख रहा है, ये वुडन ही है। और क्योंकि ये जो है वो गर्म होता है गर्मी के सीज़न में खास करके, और गर्मी हमें ज़्यादा लगती है क्योंकि टॉप फ्लोर है, इसीलिए यहाँ पर वुडन लगाया है ताकि गर्मी ना लगे। और एक छोटा सा फ़ैन आपको दिख रहा होगा, वो फ़ैन जो है स्पेशली गर्मी के सीज़न की वजह से ही लगाया, क्योंकि काफ़ी एकदम रूम जैसी बालकनी है तो हम लोग इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं दोस्तों। और यहाँ पे एक चेंजेस आपको, एक मेजर चेंजेस मैं आपको बता दूँ, ये जो है आप देख सकते हैं एकदम छोटा है। पिछले वीडियो में, मेरे सबसे पहले वाले होम टूर में, ये आपको बड़ा दिख रहा होगा। इसको हमने कट करके इसको छोटा कर दिया है, क्योंकि जब आप इसको पार करते हैं ना तो बहुत ही ऊपर से पार करना पड़ता था, लेकिन अभी ये छोटा हो गया है तो एकदम लेवल में हो गया है। तो अगर आपके भी घर में अगर ऐसा कुछ है स्लाइडिंग की, या जो हाइट है उसका बड़ा हो, तो आप इस तरीके से इसको छोटा करवा सकते हो। तो तीनों रूम का जो है, मैं आपको प्राइस के साथ में बताती हूँ, तीनों रूम का जो है इस तरीके से हमने छोटा करवाया, मतलब किचन का, बेडरूम का, मैं बताती हूँ आपको आगे इस वीडियो में, तो आप देखिएगा ज़रूर शुरू से लेकर अंत तक की वीडियो, बहुत ही काम आने वाली है। छोटी छोटी चीज़ जो होती है हमारी बहुत काम आती है, तो ये जो चीज़ें हमने कम करवाई क्योंकि बहुत ही हाइट से हमें जाना पड़ता था। और ये लेवल में एक रूम जैसा लगता है, बड़ा सा रूम जैसा लगता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और आपको पार करने में भी देखिए बहुत ही ईजी है। तो तीनों रूम का करवाया, तभी और ऊपर जैसे करवाया और ऊपर से इन्होंने देखिए इस तरीके से कांच लगवा दी। तो ये बहुत ही छोटी चीज़ है लेकिन बहुत ही यूज़फुल चीज़ है हमारे घर में। तो ये आपको 10,000 में उन्होंने हमें करके दिया ये पूरा। तो चलिए मैं आपको अभी किचन का टूर करवाती हूँ, तो आप चलते हैं किचन की तरफ। लेकिन किचन की तरफ जाने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये है बाथरूम का एरिया और ये है वॉशरूम का एरिया। और यहाँ पे जो है जो बेसिन है, ये पहले के वीडियो में अलग बेसिन था वाइट कलर का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग बेसिन है, नया बेसिन बिठाया है। और ये वाला जो एरिया है वो भी न्यू बिठाया है। और यहाँ पर नीचे चप्पल स्टैंड है, ब्रूम का ये एरिया है झाड़ू वगैरह रखने के लिए स्पेशली। और ये मिरर और ये हैंड वॉश का जो है, ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाता है, या ऑनलाइन अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगी, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, मतलब रीफिलर पैक लाके आप यहाँ पे इसमें फिल कर सकते हैं, परमानेंट आपका एक हो जाता है। और बाकी आपकी बॉटल यहाँ वहाँ भी नहीं जाती है, एकदम एक पोजिशन में आपका रहेगा। ये मिरर है और प्लस ये आपका कुछ कंघी वगैरह रखने के लिए, ब्रश वगैरह रखने के लिए आपको हाथों हाथ ही मिल जाता है। और ये बेडरूम का एरिया है, मैं आपको ये इसका भी टूर कराऊंगी। तो चलते हैं किचन की तरफ। किचन की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पे जो है ये स्लाइडिंग डोर आपका हमने बिठाया है, वो उस तरफ भी स्लाइडिंग डोर है। तो ये बिल्डर ने नहीं बिठाया, ये हमने सेपरेटली बिठाया है, ये स्लाइडिंग है इस तरीके से। तो चलिए इसको ओपन करती हूँ। तो ये है किचन का टूर, किचन का टूर भी मैंने आपको कराया था तो उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। ये चीनी वगैरह रखने के लिए, चीनी है आपका, नमक है, चाय पत्ती वगैरह रखने के लिए ये स्टैंड है। ये ऑनलाइन आपको लिंक चाहिए तो मैं दे दूँगी, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था ये आपने कहाँ से लिया है, ये तो मैंने लोकल मार्केट से लिया है, लेकिन इसका ऑनलाइन लिंक आपको चाहिए हुआ तो मैं आपको दे दूँगी। तो ये कैबिनेट्स वगैरह भी पुराने वीडियो में मैंने बताया था, ये है कैबिनेट वगैरह, ऊपर भी जो अनवांटेड चीज़ें होती है जो बहुत ही कम काम आती है, तो उस तरीके से ऊपर रखा है। और ये ग्लास वगैरह और कटलरी क्रॉकरी वगैरह रखने के लिए। ये नया ओवन है IFB का जो मैंने लिया रिसेंटली, इसका वीडियो भी मैंने अनबॉक्सिंग का डाला था, आप नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। और कुछ लोगों ने इसे परचेज़ भी किया, अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही मस्त माइक्रोवेव ओवन है ये, तो मैं इसको डेली यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं रखा है इसमें, और यहाँ पे मैंने बताया था किचन टूर में भी कि मैं अंदर क्या क्या रखती हूँ, तो प्लीज़ जाके इसे देख लीजिए। तो मैं इसका ओवरव्यू आपको दे रही हूँ। यहाँ पे भी कुछ कैबिनेट्स हैं, बड़े बड़े डब्बे वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं रखा है, बस इतना ही सामान है मेरा इस वाले इसमें पोर्शन में। यहाँ पे फ्रिज है, वो बालकनी है, और ये है मेरा, यहाँ पे भी मैंने कुछ नहीं रखा है, इसको भी मुझे डेकोरेट करना है, वो मैं जल्दी करूँगी और आपको आपके साथ में वीडियो शेयर करूँगी। ये है गैस स्टोव, और ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा बनाया है पानी का स्टोर करने के लिए, पानी स्टोर करने के लिए। चिमनी वगैरह आपको ऊपर मिल जाएगा। और ये भी कुछ कैबिनेट्स है जो मैंने ऊपर बनवाया है। ये मंदिर आपको यहाँ पे मिलेगा,
प्लस यहाँ पे लाइट है और इस तरफ भी आपको कैबिनेट मिलेगा। तो यहाँ पे ऊपर हर तरफ मैंने कैबिनेट बनाया है, तीनों तरफ, मतलब यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे में कैबिनेट्स बनाए हैं। तो टोटल कॉस्टिंग मुझे यहाँ पे पड़ा था 1,10,000 का, यहाँ पे बर्तन वगैरह, प्लेट्स वगैरह, कटोरी, ग्लास वगैरह रखने के लिए। तो 1,10,000 मुझे इसका कॉस्टिंग पड़ा था। काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि कितने कॉस्टिंग में बनाया है। और इसका मटेरियल है मरीन प्लाईवुड का, तो मैं इसमें क्लियर कर देती हूँ आपको, जिन लोगों को बनाना है तो ये मटेरियल काफ़ी अच्छा है। आप इसको वॉश भी कर सकते हैं, मतलब इसको गीले कपड़े से पोंछ दोगे तो पूरा क्लीन हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्लीनिंग वगैरह के लिए भी है। तो ये रहा मेरा किचन। तो अब चलेंगे बेडरूम की तरफ। तो चलिए अब हम करते हैं बेडरूम का टूर। उसके लिए यहाँ पे जैसे ही एंट्री करते हैं, यहाँ पे डोर मैंने ओपन करके रखा हुआ है। और ये बेड जो आप देख सकते हैं वो किंग साइज़ का बेड है, और इसमें आराम से जो है 3 लोग आ सकते हैं। किंग साइज़ का बेड है, और साइड में आप देख सकते हैं टेबल लैम्प्स रखे हुए हैं। और ये रही बालकनी, जो कि अच्छी खासी बड़ी बालकनी दी गई है बेडरूम के हिसाब से। और ये है, मतलब वॉल पे ही आ जाए, वैसे एक छोटा सा कबर्ड टाइप है जिसमें बुक्स वगैरह आ जाती है। टीवी यहाँ पे रखा हुआ है, वाईफाई का कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है। और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि एसी यहाँ पे भी लगाया है, और हॉल में भी लगाया है एसी को, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको टॉप फ्लोर है और यहाँ पे गर्मी के सीज़न में थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है, इसीलिए क्या है यहाँ पे भी एसी लगाया, हॉल में भी एसी लगाया है। और ये जो बालकनी है, पहले आपने मेरी वीडियो में देखी होगी कि छोटे छोटे छेद वाले जो है यहाँ पे ग्रिल लगाया हुआ था, वो अभी निकाल दिया है। और यहाँ पे जो है इतनी इतनी बालकनी थी जो आप देख सकते हैं, ये वाला जो ऊपर वाला है एक्स्ट्रा हमने ग्रिल बिठा के लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली टॉप फ्लोर है, बच्चे वगैरह है तो फिर वो थोड़ा सा टेंशन हो जाती है, इसलिए यहाँ पे ग्रिल जो है लगाया। और काफ़ी डिसेंट सा ग्रिल है। और ये छत है ऊपर, जो कि बिल्डर की तरफ से बिल्डर ने बांधा था। और एसी का आउटलेट वगैरह यहाँ पे है बाहर की तरफ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बेडरूम में, अगेन वार्डरोब। तो मैं आपको डोर बंद करके बताती हूँ वार्डरोब कैसे लगाया है और कितने का फिटिंग वगैरह कितने का आया है, वो सब मैं प्राइस के साथ बताती हूँ आपको। तो चलिए मैंने डोर बंद कर दिया, और जैसे ही डोर बंद कर दिया, देखिए यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक के वार्डरोब आपको दिख जाएगा। ऊपर की तरफ भी जो अनवांटेड चीज़ें होती है, जो बहुत ही कम यूज़ करते हैं, उसको ऊपर की तरफ भी हमने पूरा बनाया है। और नीचे की तरफ भी ड्रॉर ऐसे खुलता है, ड्रॉर जैसा, तो वो भी बनाया है। तो ये पूरा वार्डरोब है। और मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि मैम आपका मिरर किधर है, आईना किधर है, तो मैं आपको बता दूँ, वो पर्दा है, उसको हटा के बताती हूँ। तो देखिए ये पोर्शन है वो मिरर का पोर्शन है, तो पर्दा हटा के ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं लाइट। तो ये काफ़ी एक स्मार्ट आइडिया है ड्रेसिंग टेबल बनाने का। तो जो भी कंघी वगैरह रहता है वो यहाँ पे आ जाती है, मेकअप का जो सामान होता है वो यहाँ पे आ जाता है। और ऊपर लाइट भी है, तो लाइट की कमी भी नहीं होगी। और कुछ एक्स्ट्रा आपको एक चीज़ कबर्ड टाइप की वो ड्रेसिंग टेबल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी में, आप इस तरीके से आप अपना ड्रेसिंग टेबल बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है छोटा सा, ये पूरा ड्रेसिंग टेबल है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि ड्रेसिंग टेबल कहाँ पर है। ये कुछ लैम्प है यहाँ पर, मैं आपको जला के बताती हूँ। इस तरफ भी लैम्प है और इस राइट हैंड साइड भी लैम्प है, दोनों लैम्प है। तो ये देखिए लैम्प जलाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए बहुत ही अच्छा लुक आएगा। अभी तो फिलहाल उजाला है इसीलिए थोड़ा सा कम लुक आ रहा है, लेकिन अंधेरे में बहुत ही बढ़िया लुक आता है इसका। और ये जो है वो ड्रेसिंग टेबल का लाइट है, बहुत ही अच्छा उजाला है इसका भी। इस तरीके से आप भी अपना बेडरूम प्लान कर सकते हो, और मैं प्राइसिंग भी आपको बताऊँगी। और जो मैंने चेंजेस किए हैं, अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूवर हैं तो आपको पता लग गया होगा कि मैंने क्या चेंजेस किए अपने रूम में। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो नए लोग हैं उन्हें भी बता दूं कि ये जो कलर है आप देख सकते हैं, वो जो मेरे हॉल का कलर था, लिविंग रूम का जो कलर था वो क्रीमिश कलर था, और ये जो कलर है वो पिंकिश है। तो ये डिफरेंस है, कलर मारा है, कलर चेंज किया है। और जैसे यहाँ पर लाइट है और यहाँ पर डार्क किया गया है एक दीवार में, और बाकी दीवार में सब ऐसे कलर है।
पिंकिश टाइप का कलर, तो ये चेंजेस किया गया है मेरे बेडरूम में। तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ लोगों ने बोला था कि कलर आप प्लीज़ चेंज कीजिए, इसीलिए मैंने कलर चेंज किया और कलर चेंज करके मैं आपको टूर फिर से करा रही हूँ। आई होप एटलीस्ट ये कलर आपको पसंद आया होगा मेरे बेडरूम का। पर्दा आप देख सकते हो, सेम वही पर्दा, मतलब सिमिलर बिल्कुल जो मैंने हॉल में लगाया है, सिमिलर बिल्कुल पर्दा यहाँ पे बेडरूम में भी है। और पर्दा जो है काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है पूरे रूम को, बहुत ही डिसेंट सा लुक है। कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है डार्क और लाइट का। और अगर लाइटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे भी LED लाइटिंग लगाया है और लेफ्ट हैंड साइड में भी LED लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो ओवरऑल क्योंकि बेडरूम में बहुत ही अच्छा मतलब उजाला आता है इससे, दो लाइट रहने से। तो ये देखिए, अगर मैं आपको मेन लाइट LED लाइट जो है बंद करके बताऊं तो, और वो जो लैम्प की जो लाइट है वो इस तरीके से आती है पूरे रूम में, बहुत ही डिसेंट और प्लेजेंट लगता है रूम। तो चलिए बढ़ते हैं प्राइसिंग की तरफ। ये जो बेड है वो मैंने बनवा के लिया है, और बेड की खास बात ये बता दूं, मैं इसको यहाँ से खींचेंगे तो ऐसे स्लाइडिंग जैसे ड्रॉअर जैसे पूरा का पूरा ये पोर्शन बाहर आता है, और इसमें हम चादर वगैरह, आपका तकिया वगैरह आप रख सकते हो इसमें, ब्लैंकेट वगैरह इसमें आसानी से, बहुत सारा स्पेस है, पूरा आधा बेड का स्पेस है इसमें, पूरा आधा बेड का आप इसमें आराम से चीज़ें रख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप अंदर रख सकते हो। तो ये बनवा के लिया है बेड दोस्तों, ये बेड। वो जो है टेबल, जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनको बता रही हूँ, जो पुराने वाले उनको तो पता ही है, ये साइड टेबल्स और ये पूरा वार्डरोब जो है वो बनवा के लिया है। कुल मिला के 80,000 लगे हैं बनवाने के लिए सब कुछ मिला के। तो आई होप दोस्तों आपको जो हल्का सा मेरा रिनोवेशन है वो पसंद आया होगा। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।